बढ़ी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें। हाई कोर्ट से मिला झटका, ईडी कभी भी कर सकती है कार्रवाई। सूबे का सियासी पारा गर्म, विपक्ष हुआ हमलावर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। हाई कोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी ने जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी है, उसे सुप्रीम कोर्ट विजय मदन लाल चौधरी के केस में डिसाइड कर चुका है। इसके तहत एजेंसी को समन और बयान लेने का अधिकार है। ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ 23 सितंबर को हाई कोर्ट की शरण ली थी। मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। साथ ही सीएम ने याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने पक्ष रखा। इधर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी कभी भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। इसके साथ ही सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। बता दें कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 बार समन भेजा जा चुका है, जिसे मुख्यमंत्री नजरअंदाज कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यपाल को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग कर चुके हैं। आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होगा। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।